हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज हर्ष और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारी जर्नी बोकारो से पटना तक जनशताब्दी एक्सप्रेस में। और मैं शायद 3 या 4 साल बाद पटना वापस जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से की थी और दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रिप। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको पूरी ट्रिप अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिखाऊँ वीडियो बाई वीडियो करके। सो बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट एज यूजल, तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है बहुत ही धमाकेदार तरीके से, क्योंकि व्लॉग में शुरुआत में मैं आ चुका हूं, तो वैसे भी क्यों ना हो धमाकेदार। ऑलराइट, सो गाइस द टाइम राइट नाउ इज 3:28 और हमारी ट्रेन है 4:30 बजे बोकारो स्टेशन से। तो हम लोग निकल चुके हैं अजीज, जैसे आप देख सकते हैं व्लॉग जिसका है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है मुझे फॉलो करते हुए। आई एम वेटिंग फॉर माई GoPro क्योंकि अभी उसको व्लॉग GoPro मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हमारी हो रही हमारी कार, सो लेट्स गो। Guys, we have reached Bokaro station finally और now we have to do the unloading. As you can see, हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज है। हाय गाइस, तो पानी लेने के चक्कर में मैं हो गया हूँ लेट। ट्रेन आके लग चुकी है और सब लोग जाके पता नहीं मुझे छोड़ के चले गए सबके सब। या आई फाउंड देम, दे आर देयर। यार आई नीड टू वर्क ऑन माय टाइमिंग्स, आई एम रियली रियली बैड एट टाइम मैनेजमेंट। आई गेस मैंने जितने ब्लॉग्स बनाए ना, जितने भी मेरे आउटडोर ब्लॉग्स हैं, मैं सब में लेट हुआ हूँ। Never have I ever been on time. तो गाइस ट्रेन खुल गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ रहे हैं। मैंने बाद में शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश में ट्रेन एक्चुअली बिफोर आ गया, मूव कर रहा हम लोग लेट थे बट नहीं ट्रेन बिफोर आ गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हर्ष कभी लेट नहीं हुआ एंड नाउ वी आर डूइंग अ वर्क। मुझे मीटिंग्स अटेंड करने हैं अभी, तो आई विल बी अटेंडिंग देम एंड देन आई विल टॉक टू यू लेटर। गाइस अब हम लोग आए हैं चंद्रपुरा स्टेशन और टॉकिंग अबाउट द ट्रेन, दिस इज़ जनशताब्दी विच गोज़ फ्रॉम रांची टू पटना। ये 2010 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडियन रेलवे नेटवर्क्स की जनशताब्दी के 20 ट्रेनों में से एक है। और फन फैक्ट, मैं चंद्रपुरा में भी रह चुका हूँ करीब 2 साल और अभी हमारी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई। दिस इज़ द फर्स्ट हॉल्ट और ये ट्रेन रांची से पटना के बीच में 12 स्टेशन पर रुकती है, इंक्लूडिंग द डेस्टिनेशन एंड द बोर्डिंग स्टेशन। और द मेन जंक्शन जहाँ पे इसका लोको चेंज होगा इंजन, विच इज़ एट गया, वहाँ पे करीब ट्रेन 20 मिनट रुकेगी और उसके बाद हम फिर वापस जाने लगेंगे। आई मीन द डायरेक्शन चेंजेस बेसिकली। Hey guys, तो ट्रेन अब गोमो स्टेशन से खुल चुकी है और बहुत तेज़ी से खुल चुकी है, तो लेट्स गेट इनसाइड एंड yeah. तो वी आर 2 hours into the journey and पानी बटली, अरे पानी पानी। वी आर 2 hours into the journey और हम लोग अभी करीब
चार घंटे दूर है पटना से, चार साढ़े चार घंटे, साढ़े दस बजे के आसपास हम लोग पटना पहुँचेंगे। और गोमू स्टेशन, अभी हम जिस गोमू स्टेशन से निकले हैं, इस स्टेशन का नाम आई गेस समवेयर इन 1970s और 80s इसका नाम चेंज करके गोमू से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन कर दिया गया था टू ऑनर द ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हम लोग अभी, मैंने अभी अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया फाइनली, ऋषि इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स टुमारो। अब मैं जाके अपना लास्ट वीडियो एडिट करने वाला हूँ, एंड द वीडियो इज अबाउट, आई डेफिनेटली पोस्ट इट हियर। सो तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि हाउ वी शूट अ टेक यूट्यूब वीडियो, सो इफ यू आर अ टेक यूट्यूबर मे बी इट इज़ गोना गिव यू अ स्मॉल इनसाइट। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने बनाया नहीं है कुछ भी, क्योंकि भी लाइक मुझे लगा कि मैं इतना सारा बहुत ज़्यादा प्रो हो नहीं चुका हूँ अभी तक कि आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि हाउ डू वी शूट टेक यूट्यूब वीडियोज़ इन फुल डिटेल्ड वर्जन और इन अ फुल डिटेल्ड वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल शो यू अ प्रॉपर इनसाइट एज वेल। गाइस अब हम लोग गया आ चुके हैं और मैं आपको ट्रेन के बारे में कुछ बताता हूँ। तो अब 12 कोचेस हैं जनरल के और 3 एसी चेयर कार्स हैं। अभी हम लोग गया में हैं और गया बिहार का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप बोध गया आते हो या कभी भी आप यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो बुद्धिज्म और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म और अगर आपको बोध गया जाना तो यू हैव टू कम हियर एंड चेंज योर ट्रेन। तो गाइस यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमारे ट्रेन का इंजन चेंज होता है। तो करीब 20 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, जितने में इंजन चेंज होता है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे इंजन चेंज किया गया है। और अब यहाँ से उल्टा डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और यहाँ से करीब 2 घंटे में हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। पटना में इसका टाइम है 10:20 और उसके बाद हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट द ट्रेन। तो गाइस अब हम लोग पटना पहुंच गए फाइनली। ट्रेन 10 मिनट लेट थी, 10:20 है इसके पहुंचने का टाइम और अभी हो रहा है 10:30। और या एज यू कैन सी वी आर द लास्ट वन टू डी बोर्ड, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ये शूट करना था तो मुझे नॉइस बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ट्रेन वॉज अ लिटल लेट तो ठीक है, मतलब आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द स्पीड, बट हाँ स्टार्टिंग में ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इंडियन रेलवेज टू इम्प्रूव द सीट्स, क्योंकि सीट्स बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं। ये रिक्लाइन करने के बाद सीट्स फ्री हो गए बिल्कुल, लाइक ऐसे सो गए। तो खैर दैट्स इट, वी हैव रीच्ड पटना। इट वॉज अ प्लीजेंट जर्नी, 10 मिनट लेट के लिए मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ इंडियन रेलवेज की पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, बट हाँ सीट्स नीड अ बिग टाइम इम्प्रूवमेंट। बट या ऑल गुड, हैप्पी एंड या सो वी आर अबाउट टू डीबोर्ड। Thank you for watching the video guys, if you liked it then make sure that was the video guys, if you liked the video then make sure to hit that like button, and if you haven't subscribed already then make sure you subscribe to the channel. Until the next video, take care, this is Harsh signing off.